फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो पीआरटी भर्ती को लेकर हमारे पास थोड़ी बहुत अपडेट आई हुई है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। और वीडियो के अंत में एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आखिर बड़ी खबर ये है कि जायज है प्रशिक्षितों की मांग, जल्द पूर्ण की जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ये कहना है पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो आखिरकार उनको भी ये लगने लगा है कि भाई साहब बहुत हो गया आप, क्योंकि सभी को पता है एक शिक्षक ही ऐसा एकलौता इंसान है जो कि किसी राष्ट्र देश का जो है निर्माण कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी ने पीआरटी भर्ती में आए गतिरोधों को दूर करते हुए जल्द ही भर्ती को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कराने के आश्वासन दिए हैं। यार आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितना उतरता है वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखते हैं सीएम साहब का आश्वासन कब धरातल पर उतरता है। तो आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डाइट डीएलएड संघ के जो मंडल के जो जितने भी लोग थे वो गए थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो है टीएट वालों का नंबर है, बीएड टीएट वालों का नंबर है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें हर तरह से दबाव बनाना है। अपने वीडियोस में मैं हमेशा कहता हूँ कि अब वो समय चला गया है कि हमें अलग अलग चाहे बीएड डीएड एनआईओएस फलाना ढिमाका सबको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको एक साथ आना है अगर ये भर्ती ओपन करानी है, तभी हम सभी का भला है इसमें। नहीं तो अगर हम अलग अलग पक्ष से लड़ते रहेंगे, कोर्ट में तो भर्ती ऑलरेडी लटकी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड चाहती ही है ये भर्ती कोर्ट में लटके। तो इसीलिए आप देख सकते हैं सीएम आवास पर डायड डीएलएड संगठन के जो मंत्रिमंडल हैं वो हाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की और ये आश्वासन दिलाया गया कि हाँ हालांकि ये भर्ती समय पर पूर्ण हो जाएगी, लेकिन कब कैसे होगी किस तरीके से होगी ये फिलहाल संभव नहीं दिखता है मुझे, जहाँ तक मेरी सोच और मुझे मेरा अनुभव बताता है। क्योंकि इस भर्ती में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शिक्षा विभाग ने भी हर मोर्चे पर बैक स्टेप लिया है। अगर शिक्षा विभाग अगर सही समय पर सही डिसीजन ले लिया होता तो आज ये भर्ती कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं। तो आप देख सकते हैं पीआरटी भर्ती में तमाम आए गतिरोधों तथा लंबे समय से न्यायालय में लंबित सभी मुद्दों को अर्जेंसी लगाकर शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण कर विभाग डायट डीएलएड प्रशिक्षकों की नियुक्ति देने की मांग की गई है। तो मैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी निकल के आ रहा है कि अब फिलहाल तो इस पर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि फिलहाल कोर्ट में भर्ती अटकी हुई है। यहाँ पर अर्जेंसी लगाकर शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण कर विभागीय जांच से विभागीय डायट डीएलएड वालों ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री जी से कहा कि ऐसा करें। हालांकि ये सभी मांग हमने जो मांग डायट वालों ने रखी है सभी मांग बीएड टीएड वालों ने भी रखी थी, लेकिन पॉइंट यहीं पर उठता है कि अर्जेंसी अगर लगाकर भी इस मामले को तेजी लाया जाए तो इसके लिए एफर्ट किसको करना है सरकार को, और सरकार चाहती ही नहीं है कि वो इस तरह की एफर्ट करे ताकि ये भर्ती ओपन हो सके। तो आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अभी हाल में ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है और डायट प्रशिक्षित उनके पास प्रत्येक स्थान पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती पूर्ण कराने के मांग को लेकर उन्हें मिलते रहते हैं, उनकी मांग जायज है और वो शीघ्र इस मामले में आए तमाम गतिविधियों को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करेंगे। वाह भाई वाह, तो मतलब लास्ट में आश्वासन भी दिया गया। तो क्या दिया गया कि हम जो है शिक्षा मंत्री से जो है चर्चा करेंगे इस बारे में। तो मुझे नहीं लगता यार कि अगर शिक्षा मंत्री से इस बारे में चर्चा करने का कोई भी औचित्य बनता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर यही चीज करना होता, जैसे यहाँ पर एक ये लाइन जो है आप देख सकते हैं कि जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अभी हाल में ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, तो यार मतलब ये जो वर्ड उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुंह से कहा है या फिर ये न्यूज में ऐसी आई है, लेकिन यार थोड़ा हास्य प्रद लगता है। मतलब ये वर्ड सुन के हंसी लगती है कि मतलब पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा हॉट टॉपिक है पीआरटी भर्ती को लेकर, और आपको इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है
क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता यार कि ये कोई संतोषजनक जवाब है। बाकी आप अपने दिल को सहलाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे तो इस वर्ड से बिल्कुल सहमति नहीं है। उसके अलावा लास्ट में आप बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करेंगे। कहा है कि भैया शिक्षा मंत्री की ही देन है कि ये भर्ती हाईकोर्ट में लटकी है। आप अगर मुझसे सहमत हैं इस वर्ड से कि शिक्षा मंत्री की ही देन है कि ये भर्ती हाईकोर्ट में लटकी हुई, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और लाइक के बटन को दबा देना, और बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर